कृषि दर्शन के देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू किसान भाई बहनी हो, अपन ये संगवारी कोती ले झोंकव मया भरे जय जोहार। आधुनिक खेती जरूर होवत थे, लेकिन यदि मौसम गड़बड़ होइस तो हमर खेती किसानी में तको गड़बड़ होते। तो संगवारी हो, हमन बात करत हन अतिक गर्मी के, तो गर्मी के मौसम में भी गजब अकन खेती किसान मन करते, तो आप मन जान डरे हो। आज हमन चर्चा करबो कि गर्मी के मौसम में दलहनी तिलहनी फसल कैसे ले जाए, ये विषय में चर्चा करबो। संगवारी हो, मैं हा वैज्ञानिक ल बुलावा, तब तक आप मन बर है कुछ तकनीकी संदेश, ओला देखाओ। सौर सुजला योजना का प्रारंभ पूरे देश के लिए छत्तीसगढ़ में रायपुर से करवाया गया था, और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा रायपुर से की है। तो ये योजना पूरे देश भर में लागू हो गई है। तो इसमें मुख्य प्रावधान यह है कि जो पहुंच विहीन नलकूप है, विद्युत पहुंच विहीन, ऐसे नलकूप जहां तक विद्युत पहुंचना मुश्किल है और जिसमें ज़्यादा लागत आ रही है, उन नलकूपों के लिए यह योजना है, ताकि किसान भाई जिनको 1 लाख से अधिक पैसा जमा करना पड़ता है, 1 लाख से 10 लाख तक के एस्टिमेट आता है, तो वो किसान परेशान ना हो। उन किसानों के लिए यह योजना लाई गई है कि आराम से हमारे किसान भाई उसमें सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपने नलकूपों को चला सके और अपना फसल उत्पादन बढ़ा सके। संगवारी हो, संदेश के बाद आवाओ आप मन के एक घाव फिर में स्वागत करत हूँ। और जोन संगवारी है अभी अपन घर में बैठ के टीवी ले चालू करी सो ही ओला फिर बतावत हूँ मैं। हाँ, आज हमन चर्चा करत हन कि रबी के मौसम में यानी गर्मी के मौसम में दलहन तिलहन के फसल कैसे लिए जाए। हमार तीरावेद वैज्ञानिक आगे है डॉक्टर दीपक चंद्राकर जी, वैज्ञानिक दलहन तिलहन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ओकर से अब पूछथन कि आप मन के जो जिंदगी है वो कैसे संवर सके, खासकर गर्मी के मौसम में दलहनी तिलहन फसल लेके। आवाओ चर्चा करन दीपक चंद्राकर जी से। दीपक भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक सर, ये बताते हो कि जिसे हर मौसम में किसान है फसल लेते, खासकर गर्मी के बात करन तो छत्तीसगढ़ में बहुत गर्मी पड़ते, पानी के समस्या रही थे, ये सब ला देखते हुए किसान मन के जीवन है विकास करे, आगू बढ़े, ठलहा जान बैठे, ये सब ला देखते हुए आप वैज्ञानिक होने के नाते का संभावना बताहु दलहन और तिलहन के फसल का अच्छा हो सकत है गर्मी के मौसम में? बहुत अच्छा होते। एकर बर दलहन के दो फसल है, मूंग है और उड़द है। अच्छा। जेकर हम खेती गर्मी के मौसम में कर सकथन, काबर की वैसे तो ये फसल है वर्षा ऋतु में करे जाते, लेकिन एकर उत्पादन भी बराबर मात्रा में गर्मी के मौसम में भी लिए जा सकते। एकर से का है, जो दलहन के अतका हमार देश के जनसंख्या, विश्व के जनसंख्या विस्फोटक रूप में बढ़ा थे, तो दलहन के मांग के पूर्ति करे बर एला हम बहुत आसानी से सफलतापूर्वक बहुत अच्छा उत्पादन गर्मी के मौसम में ले सकथन। अब ये बताते जिसे गर्मी के मौसम के बात करें तो पानी के भी बड़ा समस्या रही थे, जमीन सुखा जाते ज़्यादा, तो कौन सा जमीन में ये दलहनी फसल ला किसान मन ले सकते हैं? एला हम सामान्यतः भारी से मध्यम भारी भूमि में एला ये फसल ले सकथन, जेमे कि हमार कर सिंचाई के सुविधा बहुत ही सीमित है, तो हमला ये फसल ला मूंग उड़द ला 2 से 3 सिंचाई में हमला कंप्लीट करना है, सफलतापूर्वक उत्पादन लेना है। तो एकर बार ऐसे भूमि के चुनाव करन जेमे कि पानी हाँ ज़्यादा दिन तक रुके रहा है और पौधा के पूरा जो लाइफ साइकिल है वो में धीरे धीरे ओला पौधा ला मिलत जाए। तो एकर बार हम भारी भूमि के चुनाव कर सकथन, और एला हम गेहूँ काटे के बाद में या जो हमार रबी के जो दलहन फसल है जैसे कि चना है, लाखड़ी है और मसूर है, ये फसल ला काटे के बाद में आसानी के साथ में हम 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में ये दलहनी फसल ला हम ले सकथन। बात अति चंद्राकर जी, जैसे कि हर मौसम में कोई भी फसल लेवन, आप मन बताता हूँ कि माटी के जांच आजकल बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो का जैसे रवि के मौसम में हम दलहनी फसल लेवत हन मूंग और उड़द के, तो पहली गेहूँ बुआ रही इसे कहा था आप मन है, तो का हमला उकर बाद माटी के जांच कराल पड़ी तब हमन बोबो? माटी के जांच है साल में अगर हम 2 या 3 फसल लेथन, तो एक बार अगर हम साल में करवा थन तो पर्याप्त है।
और अभी तो जो हमार भारत सरकार के एक बहुत बढ़िया योजना चलत है छत्तीसगढ़ शासन के साथ में सहयोग से मिलके कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए के, तो ओला हमला हर सीजन में करवाए के जरूरत नहीं है, साल में हम एक बार करवाथन। और ये जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होते, जब हम धान लगाथन या ऊपरी भूमि में उड़द मूंग लगाथन, तो ओ सोयाबीन लगाथन, ओ समय हमला जांच ओकर पहली हमला एक बार मिट्टी के हमार जांच करवाना है, तो वो पर्याप्त है। वो मिट्टी के जांच के रिपोर्ट के आधार पे हमला कतका मात्रा में खाद देना है, कतका माइक्रो न्यूट्रिएंट के में आवश्यकता है, वो ओकर से हम निर्धारित करथन और ओकर बाद हम हमार खेती ला करथन। चंद्राकर जी, का मूंग और उड़द के ही खेती कर सकथन कि और कुछ संभावना है, जैसे गर्मी के मौसम में बात करत हैं, दूसर मनखे जगह मान लो सुविधा नहीं है किसान जगह, तो दलहनी फसल में और कुछ नहीं ले सकेगा? दलहनी फसल में मुख्य रूप से उड़द और मूंग ही ऐसे फसल है जेकर ये कम अवधि में 75 से 80 दिन में पक के तैयार हो जाते। अच्छा। और हमार कर समय जो है 15 फरवरी के बाद से, या समझ लो लीजिए कि आप 1 मार्च से लेके आपके 30 मई तक के समय है हमला। अब वो समय में हमला ऐसे फसल ला फिट करना है जेकर उत्पादन बहुत सफलतापूर्वक प्राप्त हो सके, और ओकर बाद में जो वर्षा ऋतु या बीच बीच में जो ग्रीष्मकालीन जो फुहार होते तो ओकर से बचना है। तो हमला ऐसे फसल के चुनाव करना है जो 75 से 80 दिन में पक के तैयार हो जाए और भरपूर उत्पादन दे। तो एमे दो ही दलहनी फसल हा फिट बैठते, उड़द है और मूँग है, जेकर हम उत्पादन ले सकता। अब बात आते माटी के चयन, जिसे आप बताए हो है ना, वो माटी के चयन कर डरिस किसान मन, तो माटी के तैयारी भी गजब महत्व रखत हुई, तो माटी के तैयारी कैसे करे किसान मन? तो माटी के तैयारी करे बर एक बार हमला गहरी जुताई करना है रबी के फसल कटे के बाद में, ओकर बाद 4 से 5 दिन जमीन ला खुला छोड़ देना है ताकि धूप के कारण जतका भी जो बन है खरपतवार है ओकर जो बीज है और ओकर जैसे दूब के जो नार है वो मन धूप में अतका अभी जो 40-41 डिग्री जो टेम्परेचर है वो में नष्ट हो जाते। ओकर बाद में 2 बार कल्टीवेटर चला के रोटावेटर से ढेला फोड़ लें और पाटा लगा दें, तो भूमि की तैयारी है अतका में हो जाते। गजब बात बताता हूँ आपने कि धूप में सुखाओ, धूप में सुखाओ, तब होले कहीं ना कहीं देखथन कि हमन किसान मन एक होती शायद लौटे नहीं है, कुछ करे नहीं, तो आप मन एक खास बात ला बताते हो एक घाव फिर कि घाम में सुखाना माटी ला जोते के बाद काबर जरूरी है, विशेषकर अच्छा उत्पादन लेबर? कोई भी फसल के उत्पादन लेबर सबसे जरूरी है कि ओकर भूमि के तैयारी करना। तो यदि हम जैसे कि अभी आप मन देखत हो खेत मन में कि अभी जो पूर्ववर्ती फसल है कटे है लेकिन खरपतवार मन है खड़े है, अभी फल फूल अवस्था में है, तो ए मन ला नष्ट करना है हमला, तो एक बार जोत के 5 से 7 दिन अगर हम छोड़ देथन तो भीषण गर्मी में ये फसल के पूरा बीज है फूल फल है ये सब सूख के मर जाते। और जतका भी ये जो दूब है और जो कंद वाले जो खरपतवार है ये सब धूप में सूख जाते। एकर से का है जो हम अगली फसल लबोबोन तो खरपतवार के निदान हाँ 50% हो जाते। एकर साथ भी जो पूर्ववर्ती फसल में जो कीड़ा मकोड़ा लगे रही से ओकर संखी है इल्ली है और छोटे ओकर जो इल्ली है वो मन सब नष्ट हो जाते धूप में, तो एकर से ती बहुत जरूरी है। यदि हम लागत थोड़ा सा लागत अभी लगावन तो पूरा फसल अवधि में हमला ओतेक ज़्यादा कीटनाशक के उपयोग करे के जरूरत नहीं पड़ी और खरपतवार नियंत्रण अपन आप हो जाही यदि हम गर्मी में एक बार जुताई करथन ओकर बाद में फसल लगाथन। तो चंद्राकर जी बहुत अच्छा बात बताया था, किसान भाई हो चंद्राकर जी के गोठ ले दिया आप मन सुनत हो तो एक घाव महू आप मन से कहना चाहता हूँ कि जब भी आप मन खेत के जोताई करो घाम में ओला कम से कम सप्ताह भर जरूर सुखावा, काबर की ओकर से का फायदा है चंद्राकर जी आप मतलब फोरिया के बढ़िया बताई से ओकर से का होते खर्चा भी बाचत है और बाद में हमन नींदा नाशक के दवाई छिड़कत हन या बनिहार लगा के निंदाई करवात हन ओकर से भी बाच सकत हन संगवारी हो, तो बढ़िया बात है ना, खर्चा भी बाच जही समय भी बाच जही। संगवारी हो चर्चा भी और जारी रही लेकिन बेरा हो गए है आप मन पर कुछ खास दिखाए के, तो आप मन पर है कुछ खास। हेलो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद, किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं नादानी छोड़ रहे हैं, मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाए ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए, ए बी, बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ए सी ए बी सी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान, किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। संगवारी हो, आओ फिर चर्चा करन गर्मी के मौसम में दलहनी फसल कैसे लिए जाए। आवो चंद्राकर जी से फिर गोट बात करन। चंद्राकर जी, आप जी से जमीन के तैयारी के बात आप बतावत रहे हो संदेश के पहली कि घाम में सुखाना है इसे की के। अब जमीन के तैयारी की बात आते कि उन्नत किस्म के मूंग और उड़द के चयन करना, फिर ओकर बुआई करना, ये बात ले बताते हो। तो उन्नत किस्म यदि हम बात करते हैं उड़द के, तो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक बहुत बढ़िया किस्म के विकास हो है। अच्छा। इंदिरा उड़द प्रथम के नाम से। अच्छा। ओला हम ये मौसम में लगा सकथन। एकर साथ भी और बहुत सारे किस्म हैं जैसे कि आज़ाद 3 है
और TU-94-2 है, ये किस्म है उड़द की, एला हम बहुत आसानी से लगा सकथन और भरपूर उत्पादन देथन। काबर की ये जो किस्म है अब हमार छत्तीसगढ़ के आबो हवा पर एकदम उपयुक्त है। एकर अलावा यदि हम मूंग के बात करबोन तो मूंग के बहुत सारे किस्म है, जो कि उनमें से प्रमुख है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक कम अवधि के एक बहुत बढ़िया किस्म निकले है, जिनमें 2 से 3 सिंचाई के आवश्यकता पर थे, पैरी मूंग के नाम से निकले है। अच्छा। तो ये बहुत बढ़िया किस्म है। एकर फसल में जो फली लगते वो बिल्कुल ऊपर में लगते, तो तोड़ाई करे में भी बहुत आसानी होते और एकर हाइट है ज़्यादा बढ़े नहीं, एकर जल मांग है बहुत कम है। तो एकर अलावा साथ में और किस्म है, हम 12 है, हम 16 है, ये किस्म है जिला हम लगा के भरपूर उत्पादन ले सकता। लेकिन जैसे दूरिया किसान मन है, मान लो बोवा थे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय थे, बहुत दूर है खेत है, मान लो किसान के गांव है, तब वो मन कैसे ये किस्म ला अपन बोही? तो अभी जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो विकसित किस्म है और या अनुशंसित किस्म है, वो सभी किस्म हाँ बीज निगम के माध्यम से या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बहुत सारा महाविद्यालय है, रायगढ़ में है, जगदलपुर में है, अंबिकापुर में है, बिलासपुर में है, भाटापारा में है, लगभग सभी जिला में या जिला के आसपास के जो जिला है वहाँ पे है, और बीज निगम के जो आउटलेट है छत्तीसगढ़ शासन के वो तो लगभग सभी जिला में 2-3 है, तो वहाँ से किसान भाई मन बीज प्राप्त कर सकते। तो ये उन्नत किस्म ला अगर उपयोग करी तो निश्चित तौर पे 15-20% उपज के बढ़ोतरी है ये बीज के माध्यम से हो सकते किसान भाई मनला, वही ओकर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में। ये अच्छा बात बता है कि कहाँ कहाँ से उमन है उन्नत किस्म के बीज ला, प्रमाणिक बीज ला ले सकते है। अब चंद्राकर जी बात आते जिसे उमन ला बोना है, तो पहली से का उमन नर्सरी लगा के रखी कि बीज ला ही बोना है, बोए के तरीका बढ़िया बताते हो वैज्ञानिक तरीका से? ये जो हम गर्मी के मौसम में जो लगातन फसल और उड़द मूंग के बीज ला अलग से पौध तैयार करे के जरूरत नहीं हुए, एला हमला डायरेक्ट खेत में ही बोना है, और एक बार हमला बीज दर 18 से 20 किलोग्राम बीज के मात्रा लेना है प्रति हेक्टेयर की दर से, या यूं कह सकते हम कि 8 किलो बीज उड़द और मूंग के 1 एकड़ बार पर्याप्त है, और एला लगाए बार हमला जो कतार में बोना है वैज्ञानिक पद्धति अपनाना है, तो ये पौध से पौध के जो दूरी है वो प्रॉपर ओमन ला मिल ही, प्रॉपर मतलब सूर्य के प्रकाश मिल ही, जगह मिल ही, और नमी और पोषक तत्व पौधा हा पर्याप्त मात्रा में खींच सकते। तो एकर बार हमला जो कतार से कतार के जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर दो कतार के बीच में हमला सेट करना है। यदि हम सीड ड्रिल से बोते हैं तो सीड ड्रिल में ऐसे व्यवस्था रहते कि जतका आपला इच्छित कतार के दूरी है वो एडजस्ट करके बन जाते, तो 30 सेंटीमीटर पर्याप्त है हमारा अभी के फसल लगाए बार, और उसमें ऐसे एडजस्टमेंट रहते कि जो पौधा से पौधा है 5-8 सेंटीमीटर के दूरी पे गिरत जाए, तो उसमें ऐसे व्यवस्था रहते वो सेट ऑलरेडी रहते, तो हमला कतार से कतार के बीच की दूरी तय करना है तो वो 30 सेंटीमीटर रखना है हमला। ये तो बोए के पद्धति आप बताए हो, अब ये बताते हो जिसे गर्मी के मौसम के फसल हरे तो सिंचाई प्रबंधन कतेक महत्व है, और सिंचाई कब कब कैसे कैसे करबो? सबसे महत्वपूर्ण बात गर्मी के फसल में सिंचाई के सुविधा ला ध्यान में रख के ही फसल के चुनाव किए जाते। आमतौर पे ये जो उड़द मूंग के फसल है इसमें 2 से 3 सिंचाई के आवश्यकता ये समय में पड़ते, तो हमला सिंचाई सुनिश्चित है तभी हमला ये फसल का उपयोग करना है, और इसमें हमला 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ी। पहला जो सिंचाई है हमला जर्मिनेशन बार बीज के अंकुरण बार एक लगी, जैसे तुरंत आज बोए हैं तो हमला आज शाम को या कल सवेरे तक किसी भी हालत में एक सिंचाई जरूरी है। ओकर बाद में हमला जो दूसरा सिंचाई है 25 दिन के बाद हमला करना है। ओकर बाद जो तीसरा सिंचाई है वो 60 से 65 दिन के बाद बुआई के करना है, तो ये तीन सिंचाई में फसल के भरपूर उत्पादन हम ले सकते हैं। चंद्राकर जी ये तो सिंचाई के बात हुई से, अब जैसे उर्वरक प्रबंधन के हम बात करें तो वैज्ञानिक पद्धति से जब हम खेती करबो तो जैविक खेती को भी लौटाना है किसान मन ला बहुत ज़्यादा भी आप मन बतावत भी हो, तो दलहन के फसल में जैविक खाद के प्रयोग ज़्यादा महत्व रही कि अपन रासायनिक उर्वरक के भी प्रबंध कर सकते हैं? दलहन के फसल में जैविक खाद
सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा। तो जैविक खाद के रूप में हम यदि उपयोग करना है तो हमन ला बीजोपचार बोए के समय बीजोपचार के माध्यम से हम कर सकथन। एकर बार हमला राइजोबियम कल्चर आते जीवाणु कल्चर बोलथन हमन हा, और ये हा कहीं भी सरकारी संस्था है जहाँ बीज उपलब्ध है वहाँ पे, या कोई भी जो प्रमाणिक संस्था है वहाँ से हम राइजोबियम कल्चर और जीवाणु घोलक जो पीएसबी कल्चर जिला बोलथन वो कृषि विभाग के माध्यम से भी अभी सब जगह मिलत है, ग्राम सेवक के माध्यम से वहाँ से ले सकथन। हमला एक पैकेट राइजोबियम कल्चर और एक पैकेट स्फुर घोलक जो कल्चर है जिला हम पीएसबी बोलथन ओला एक एक पैकेट लेके ओला बीज के साथ में अच्छी तरह से मिला लें, ओकर बाद में बीज लह के बुआई हम करबोन तो एला एकर से हमला रासायनिक खाद के आवश्यकता कम से कम पड़ी और मिट्टी के जो दशा है वो सुधर ही। काबर की एमे जो ग्रंथि पाए जाते जो नाइट्रोजन ला मतलब जो वातावरण के नाइट्रोजन है ओला फिक्स करते, तो ये खाद मन हा मतलब नाइट्रोजन ला फिक्स करते आपके राइजोबियम कल्चर हा, और ओकर बाद में मतलब मिट्टी के जो नाइट्रोजन के उपयोग ला कम करही और वातावरण के नाइट्रोजन ला ज़्यादा उपयोग करही, तो हमला अलग से रासायनिक उर्वरक कम से कम मात्रा में डाले के जरूरत महसूस होगी। यदि हम ए मन ला उपयोग करथन तो हमला जो रासायनिक जो पोषक तत्व है वो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन के उपयोग पड़ी, 50 किलोग्राम स्फुर के उपयोग पड़ी और 20 किलोग्राम पोटास के उपयोग करी, साथ में हमला सल्फर एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है ओकर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करना है। अर्थात हम यह बोल सकथन कि 20-50-20-20 नाइट्रोजन स्फुर पोटास एवं सल्फर के उपयोग करना है हमला प्रति हेक्टेयर। चंद्राकर जी, ये बहुत सुंदर बात आप बताए हो, विस्तार ले बढ़िया बताए हो कि उर्वरक प्रबंधन कैसे करे और कैसे बाँच सकथन उर्वरक के खर्चा से, उहू लाभ बताए हो। खासकर जिसे बीजोपचार करत है तो बहुत अकन बीमारी से भी बाँच सकत है। अब बात आते कि इसमें कुछ समस्या आते का जिसे कुछ रोग रही है, गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी करीस था या जिसे बताएं कि फुहारा जिसे आगे बीच में मौसम परिवर्तन होते था एकर से भी कुछ नुकसान किसान मन हो, एक डर है का? गर्मी के मौसम में वैसे विशेष कीड़ा बीमारी के प्रकोप नहीं हो उड़द मूंग में, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार के मतलब समस्या आते। एक समस्या ये है कि पत्ती में सफ़ेद सफ़ेद पाउडर टाइप के मतलब रोग लग जाते जेला हम पाउडरी मिल्डो बोलथन, ओकर निदान बर हमला सल्फेक्स नाम के एक दवा थे फंजीसाइड ओला हमला उपयोग करना है। ओला 30 से 35 ग्राम सल्फेक्स पाउडर लेना है, बहुत सस्ता दवा है, 1 किलो 80 से 90 रुपया के दर से मतलब आते बाजार में। तो 30 से 35 ग्राम सल्फेक्स पाउडर ला हमला 15 लीटर पानी जो नेपसेक स्प्रेयर आते पीठ में लादन वाला स्प्रेयर 15 लीटर पानी में घोल के एला हम 15 दिन के अंतराल में दो बार यदि छिड़काव करथन पूरा पौधा ला तर कर देना है, तो एकर से का है कि जो पाउडरी मिल्डो है ओकर प्रकोप से बचे जा सकते। एकर पश्चात में एक में कीड़ा लगते, वो कीड़ा हा पत्ती मन ला खाते और फली में भी अटैक करते, ओकर निदान बर हमला क्यूराक्रान नाम के एक दवा थे ओला 30 से 35 मिलीलीटर दवा के मात्रा ला 15 लीटर पानी में घोलना है, ओकर बाद एला हमला स्प्रे करना है 15 दिन के अंतराल में यदि करथन तो एकर कीट से हमला निदान मिल जाते। तो आप मन है गर्मी के मौसम में दलहनी फसल कैसे लेना चाहिए और का एकर से फायदा है, ये बात ला किसान मन लाभ बताए हो, तेकर बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। संगवारी हो, दलहनी फसल के यदि हम बात करें खासकर गर्मी के मौसम में तो कैसे आप मन ले सकत हो, का एकर से फायदा है, खासकर जिसे आखिरी में बतावत रही संगवारी हो दलहनी फसल जिसे आप मन लेवत हो तो दो फायदा है, एक तो प्रत्यक्ष रूप से फायदा हुई जिसमें नगद आप मन ला प्राप्त हुई, अप्रत्यक्ष रूप से फायदा ये है कि जमीन के जो पोषक तत्व है उर्वरक शक्ति है वो बने रही। तो संगवारी हो, जाए के पहली आप मन पर बड़ा सुग्घर रकम ने छत्तीसगढ़ी गीत लेके हमन आए हैं, तो आप मन सुनाओ छत्तीसगढ़ी लोकगीत।
संगवारी हो, अवैया बेरा आप मन संग फिर गोट बात करी हो, तब तक आप बने बने रहो और लोग लैकल पढ़ाओ, तीर तखार में साफ सफाई रखो संगवारी हो, ये बहुत जरूरी है। काबर की स्वस्थ तन तो स्वस्थ मन ऐसे कहे जाते, तो अवैया बेरा फिर आप मन संग गोट बात करूँ, तब तक जय जोहार, राम राम।